ये आ चुके हैं आसम अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है सब फ्रेंड खैर खैरियत से होंगे। आज आपको बताते हैं मोबाइल में जीमेल आईडी किस तरह बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने जीमेल में, जीमेल ओपन करना पड़ेगा। यह है जीमेल, जीमेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको लेफ्ट पर थ्री लाइंस नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर ये नीचे आ जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में क्लिक करना है, फिर ये मेरे दो पहले के अकाउंट्स हैं इधर, और ये आप ऐड अकाउंट, इसमें मैंने तीसरा अकाउंट अभी बनाना है, इसके ऊपर प्रेस करना है। फिर सेटअप ईमेल, ये नीचे ये फर्स्ट में लिखा हुआ है गूगल, आपने गूगल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद चेकिंग इन्फो कर रहा है। उसके बाद ये देखिए ईमेल और फ़ोन नंबर, ये पेज जो आप नया फ़ोन लेंगे उसके भी फर्स्ट पर अगर जीमेल आईडी बनाएंगे तो यही पेज ओपन होगा, उसमें भी यही ऑप्शन आएगा ईमेल और फ़ोन। अगर आपका पुराना ईमेल आईडी है तो वो ऐड करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ये न्यू अकाउंट बनाना है। ये नीचे लेफ्ट में लास्ट में लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर से दो ऑप्शन निकलेगा, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, तो आपने फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आपने ऐड करना है जो भी आपका नाम है, जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ आसम अली, फर्स्ट में आसम और लास्ट नेम है अली, और नेक्स्ट आप इधर से नेक्स्ट कर दें। उसके बाद इंटर योर बर्थडे और जेंडर, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आपकी, जो भी आपका बर्थडे है वो आपने इधर राइट करना है। जैसे डे है मैं इसमें फर्स्ट कर देता हूँ, और ये मंथ है इसमें मैं अप्रैल कर देता हूँ, और ईयर्स में, ईयर में मैं 1985 कर देता हूँ, और ये जेंडर आ गया। इधर से आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, इधर क्लिक करके फीमेल और मेल जो भी आप उस हिसाब से आपने इधर से सिलेक्ट करना है। ये मेल के ऊपर मैंने क्लिक किया, और फिर ये देखें नीचे नेक्स्ट है, इसके ऊपर प्रेस करना है आपने। ये इधर से आपसे पूछ रहा है आपने यूज़र नेम ऐड करने का, जो भी आपका नाम है आप उस हिसाब से, जैसे मैंने अभी आसम अली लिखा, आपका जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने इस बात का ख्याल करना है कि इधर जो भी आपके नाम के स्पेलिंग होंगे उनमें स्पेस नहीं आना चाहिए। अभी जैसे आसिम अली है, ये स्पेस के बगैर, जब आप ऐसे नाम आप अपना लिखते हैं तो आप उसमें स्पेस करते हैं, आसिम लिखकर फिर स्पेस करके फिर अली राइट करते हैं, लेकिन जब इसमें आप बनाएंगे तो आसिम अली कंटिन्यूज होगा। आसम अली आपने राइट करके नेक्स्ट करना है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको बताता हूँ फिर क्या करना है। आसम अली ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है, इसके आगे आपने दोबारा आपने फिर इसी जगह पर जाकर आइकन के अंदर क्लिक करना है। इधर आगे आप अपना मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं 3454 कर देता हूँ, ये चेक करते हैं, ये भी यूज़ हुआ हुआ है 3454। फिर इधर जाके क्लिक करना है, और अभी हम ट्राई करते हैं 6434454 6 4, अभी चेक करते हैं, ये एक्सेप्ट कर लिया इसने। अभी आपने इधर पासवर्ड ऐड करना है, और जो पासवर्ड आपको ऊपर होगा वो कन्फर्म में भी नीचे सेम होना चाहिए। अभी मैंने आसम लिखा था उसके लिए ए करके 7654567 6 7।
ये आप इधर से चेक कर सकते हैं अपने पासवर्ड आपका क्या था। ये देखें A7654566 सेम वही पासवर्ड। ए राइट करने के बाद 7654667 और देख लें ऊपर का और नीचे का पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद आपने इधर से नेक्स्ट करना है। नीचे के पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम आई है इसलिए भी दोबारा चेक करते हैं। ए राइट करने के बाद 7654567 अब आपका पासवर्ड सेम है। अब इसको नेक्स्ट करना है। ये देखें आसम अली के नाम से आपकी आईडी जीमेल आईडी बन चुकी है आसम अली 345464 ये आपकी आईडी बन चुकी है। अभी आप अपना इसको जीमेल प्ले स्टोर में प्ले स्टोर आपका ओपन कर सकते हैं इससे। ये देखें ये आपने लास्ट में नीचे आना है ये नीचे एक आई एग्री होगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आप इधर चेक करें इधर आएगा ये अभी थोड़ी देर में ये आ चुकी है आसम अली दो मेरे आईडी पहले की हैं और थर्ड में ये आईडी आ चुकी है। बहुत ही ईजी है जीमेल आईडी बनाना बहुत से लोगों को तो आती है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जिनको बनाना नहीं आती उनके लिए डिफ़िकल्ट है तो इसलिए इसको बनाना बहुत ईजी है। आप इसको ईजीली बना सकते हैं किसी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा ओके अल्लाह हाफिज़।